नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि कैसे एक बार फिर से आर्यन खान केस को लेकर एनसीबी की टीम बहुत ज्यादा सख्त नजर आ रही है और एनसीबी की टीम ने साफ कर दिया है कि वो आर्यन खान को छोड़ने वाली नहीं है। जी हां, आपको बता दें, अभी हाल ही में एक बार फिर से एनसीबी की टीम हाईकोर्ट पहुंची थी और वहां पर दोस्तों एनसीबी की टीम ने साफ कर दिया है कि आर्यन खान पूरी तरह से अभी भी निर्दोष नहीं है और इनके खिलाफ कई सारे ऐसे सबूत हैं जो कि आने वाले दिनों में मिल सकते हैं और इसके बाद आर्यन खान की परेशानी बढ़ सकती है। एनसीबी की टीम का तो साफ साफ कहना है कि आर्यन खान ड्रग्स लिया करते थे और इसी वजह से एनसीबी की टीम आर्यन खान को इतना आसानी से छोड़ने वाली भी नहीं है। मैं आपको बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे कि एनसीबी की टीम का तो यहां तक मानना है कि जो आर्यन खान है वो ड्रग्स पार्टी में ना सिर्फ संलिप्त थे बल्कि उन्होंने बहुत कुछ गलत भी किया होगा। इसके अलावा एनसीबी की टीम ने हाईकोर्ट से पूरे 90 दिनों का समय मांगा था ताकि आर्यन खान को अच्छे से सबक सिखाया जा सके और इस केस की अच्छे से जांच की जाए, क्योंकि आर्यन खान के ऊपर ये आरोप लगा था कि वो एक नशेड़ी हैं और साथ ही साथ शाहरुख खान के बेटे होने के साथ इतना बड़ा गलत काम करना, कहीं ना कहीं इन्होंने जनता को एक बहुत गलत मैसेज दिया है। तो साफ है कि आर्यन खान केस में एक बार फिर से एनसीबी की टीम सख्त नजर आ रही है और दोस्तों आर्यन खान केस में एनसीबी का मानना है कि इस केस की छानबीन अभी भी जारी रहेगी और आने वाले दिनों में आर्यन खान को एक बार फिर से बुलाकर पूछताछ की जा सकती है, जिसके बाद आर्यन खान की गिरफ्तारी भी हो सकती है और आर्यन खान को सारा सच बताना ही होगा कि वो किससे ड्रग्स लिया करते थे या फिर वो कौन कौन से ड्रग्स पेडलर या फिर ड्रग्स स्मगलर को जानते हैं, जिससे और भी कई सारे लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। तो साफ है कि आर्यन खान इतना आसानी से बचने वाले नहीं है और इस केस की जांच अभी भी जारी है, छानबीन जारी है। तो यही था वीडियो में, वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।